बीजेपी सरकार 2024 में नहीं आएगी, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, ये मैं आपको भविष्यवाणी कर, आप देखिएगा कि 200 से भी नीचे लाले पड़ जाएंगे सरकार, 200 से ऊपर जाने में नहीं बनेगी, ये मेरा दावा है। जनवरी 2023 से भाजपा हराओ अभियान मैंने चलाया और इसी जुनून में मैंने 18 से 19 लाख रुपया जा करके कर्नाटका में खर्चा किया। मुझे कोई लेना देना था नहीं था, मुझे लीडर वहाँ लीडर नहीं बना था, लेकिन और आप यूनाइटेड नेशन में, मैं यूनाइटेड नेशन से जुड़ा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उनकी पांच जो बातें जो अमेरिका में कहा वो पांचों के पांचों गलत किया। उन्होंने कहा कि मैं मानवाधिकार का संरक्षक हूँ, भारत में मानवाधिकार नहीं होगा तो लोकतंत्र नहीं होगा, तो मानवाधिकार नहीं है। उन्होंने कहा भेदभाव नहीं अगर होगा तो वहाँ पर लोकतंत्र नहीं होगा, तो भेदभाव हमारे भारत के अंदर हो रहा है, हर जगह हो रहा है, हर गली में हो रहा है। मैंने चैलेंज किया, आइए मोदी जी मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ कहाँ भेदभाव हो रहा है। 16 राज्यों में आप नहीं हो और आने वाले अक्टूबर में आपका 5 राज्यों का जो चुनाव हो रहा है उसमें 5 राज्यों में बीजेपी नहीं होगा। कहाँ हो आप, किस आधार पर कहते हैं आप कि बीजेपी की पुनः सरकार बनेगी? बीजेपी हो कहाँ? तमिलनाडु में हो, केरला में हो, कर्नाटका में हो, आप मध्य प्रदेश में एक हो जो भी खत्म होने वाला है, आप गुजरात में हो, आप छत्तीसगढ़ में हो, आप बांग्लादेश बंगाल में हो। अगर आप दो तरह की बातें करेंगे वहां तो आप मौलाना बन गए कि देखो हाँ मुसलमानों का मैं साथ हूं, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि माइनॉरिटी को मैं हक अधिकार दे रहा हूं, और तीसरी तरफ आप कह रहे हैं कि नहीं मैं सिविल कोर्ट ला रहा हूं जिसमें इक्वल होगा और सबको हम बराबर करेंगे। एक बात मुझे बताइए, जो आप लोग कह रहे हैं बीजेपी, आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि 16 राज्यों में आप बीजेपी हो कहां? तमिलनाडु में हो, केरला में हो, कर्नाटका में हो, आप मध्य प्रदेश में एक हो जो भी खत्म होने वाला है, आप गुजरात में हो, आप छत्तीसगढ़ में हो, आप बांग्लादेश बंगाल में हो, तो कहाँ हो? यूपी 16 राज्यों में आप नहीं हो और आने वाले अक्टूबर में आपका 5 राज्यों का जो चुनाव हो रहा है उसमें 5 राज्यों में बीजेपी नहीं होगा। कहाँ हो आप, किस आधार पे कहते हैं आप कि बीजेपी की पुनः सरकार बनेगी? सरकार क्यों बने? हाँ ठीक है, अगर वो मैनिफेस्टो पे काम करते, अगर वो रोजगारी की बात करते, अगर बेरोजगारी और शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करते, नौजवानों को 2 करोड़ की जो नौकरी देने की बात है उनको अगर देते तो मैं मानता कि चलो आप जो है बात करते, तो आप तो हमेशा नफरत की बात की है, आपने हमेशा जात बात की बात की है, मंदिर मस्जिद की बात की है, तो इस तरह से जनता समझ गई है, जान गई है, और वो पुनः उसे जो है हराएगी और उनको सबक देगी। जय बजरंगबली का नारा लगाते हैं आप, एक तरफ जो है केरला फाइल की प्रचार करते हैं आप, एक तरफ आपके शासन है केरला में, अगर गलत हुआ तो आप उसको पकड़िए, उसको जेल दीजिए, पकड़िए, जिस तरह से आप बुलडोजर चला रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, हमने नहीं मना किया, लेकिन अगर आप दो तरह की बातें करेंगे वहाँ तो आप मौलाना बन गए कि देखो हाँ मुसलमानों का मैं साथ हूँ, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि माइनॉरिटी को मैं हक अधिकार दे रहा हूँ, और तीसरी तरफ आप कह रहे हैं कि नहीं मैं सिविल कोर्ट ला रहा हूँ जिसमें इक्वल होगा और सबको हम बराबर करेंगे। तो सिविल कोर्ट लाने से पहले एक भारत का एक राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, जो हमारा दिल नहीं है तो एक राजा जो होता है, एक जो देश का प्रतिनिधित्व करता है, जो कहता है कि मैं चौकीदार हूँ, मैं सेवक हूँ, तो उस आचरण को निवाह करना चाहिए, ना कि हम किसी एक समुदाय को साथ देते हैं। और आप यूनाइटेड नेशन में, मैं यूनाइटेड नेशन से जुड़ा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि उनकी पांच जो बातें जो अमेरिका में कहा वो पांचों के पांचों गलत किया। उन्होंने कहा कि मैं मानवाधिकार का संरक्षक हूं, भारत में मानवाधिकार नहीं होगा तो लोकतंत्र नहीं होगा, तो मानवाधिकार नहीं है। उन्होंने कहा भेदभाव नहीं अगर होगा तो वहां पर लोकतंत्र नहीं होगा, तो भेदभाव हमारे भारत के अंदर हो रहा है, हर जगह हो रहा है, हर गली में हो रहा है। मैंने चैलेंज किया, आइए मोदी जी मैं आपको दिखाता हूं कहां कहां भेदभाव हो रहा है, और आपको मणिपुर नहीं दिख रहा है। आपने कहा धार्मिक आस्थाओं को मैं समानता के साथ देखता हूं, तो फिर आप हिंदू मंदिर और मस्जिद की बात क्यों कर रहे हो? आप सब जगह हिंदुस्तान में करो ना, बाहर क्या दिखाना चाहते हो? बाहर आपने 150-200 करोड़ खर्च कर रहे हो, यहां पे अगर एक मेडिकल कॉलेज बनता, अगर 50 करोड़ आप लगा देते तो यहां पे जो है 300 बच्चे डॉक्टर बनता, इंजीनियर बनता, जो करोड़ों रुपया हमारा यूक्रेन रशिया और दूसरे देशों में चाइना में जाता है वो पैसा बचता। तो विकास की बात आप कर रहे हैं, तो विकास आप देश में नहीं कर रहे, हमारे जगह नहीं है, तो आप कह रहे हैं नहीं हम तो बड़ा बड़ा मंदिर बनाएंगे, तो मंदिर बनाने से विकास नहीं होता, हमारे नौजवानों को रोजगार मिलनी चाहिए, हमारा जो अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, वो मिलना चाहिए, तब मैं समझूं कि देश का जो हमारा नायक है वो बहुत बड़ा चंद कुछ ग्रुप को उसको जो है फायदा उठ रहा हो। आज जो है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में बड़े बड़े जो करोड़ रुपया जिसके पास है वही पढ़ सकता है, गरीब बच्चा क्या आप पढ़ सकते हो? आप ये जो हमारी सरकार ने मुद्रा योजना लाया कि नौजवानों को 10 लाख रुपया हम देंगे, किन को मिला? सिर्फ अपने कार्यकर्ता को, बीजेपी अपने कार्यकर्ता को पैसा दे। सरकार तो बहुत कुछ कहती है, सरकार ने कहा कि मैं 2 करोड़ हर साल नौकरी दूंगा, चलिए आपको दूर नहीं ले जाते, आज मणिपुर जल रहा है, वहाँ पे 2 कम्युनिटी लड़ रहा है, आप उसको देख नहीं रहे और कह रहे हैं कि भेदभाव जहाँ होगा वहाँ लोकतंत्र नहीं होगा, इसका मतलब सरकार खुद कह रही है, आप सरकार
सरकार की वक्तव्य की बात कर रहा हूँ कि वो जो कह रही है क्या वो उसमें सच्चाई है? झूठ बोल रहे हैं मोदी जी, वो सरासर झूठ है, सरासर जुमलाबाजी है। और वो कहते हैं मानवाधिकार के बिना लोकतंत्र नहीं हो सकता। तो आप मुझे बताइए कि बहु बेटियों के साथ रेप क्यों हो रहा है, वो अपने ही नेताओं को बचा क्यों रहे हैं, मुझे बताइए ना। आप जो है जात पात ऊंच नीच की बात क्यों कर रहे हैं, आप जो है मंदिर मस्जिद और मुसलमान हिंदू की बात क्यों कर रहे हैं, आप समानता की बात कीजिए ना। आप भारत की बात कर रहे हैं, वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन कर रहे हैं। भारत एक्सप्रेस किसका? वो जो है प्राइवेटाइजेशन वो कॉर्पोरेट हाउस के हाथ में दे रखा है। वो किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई और वो बिजनेस किया और बिजनेस करके पूरे भारत में राज किया और पूरा यहाँ से लेके गया। मोदी जी 302 कहिए, एक तो खुद है तो 302 जो धारा जो लगता है मर्डर का, 302 सांसदों के चहेते बने हुए हैं। वो अंधभक्त जिसको हम लोग कह रहे हैं, गोदी मीडिया और गोदी सांसद कह रहे हैं उनके हैं। आज वो हारेंगे, मोदी कहाँ होंगे? मैं मोदी जी की प्रश्नों को दुश्मन नहीं हूँ, मोदी जी को जयकार मैंने कहा, लेकिन मैंने कहा कि आप देश के प्रधानमंत्री समानता के रूप में, चाहे आप दलित हैं, चाहे शोषित हैं, चाहे पिछड़ा है, सबका प्रधानमंत्री है। आप देखिएगा कि 200 से भी नीचे लाले पड़ जाएंगे, 200 से ऊपर जाने में नहीं बनेगी, ये मेरा दावा है। जनवरी 2023 से भाजपा हराओ अभियान मैंने चलाया और इसी जुनून में मैंने 18 से 19 लाख रुपए जाकर के कर्नाटक में खर्चा किया। मुझे कोई लेना देना था नहीं था, मुझे लीडर नहीं बना था, लेकिन नहीं, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, मैं किसी भी पार्टी का नहीं, मैं ओनली ह्यूमन राइट्स का आदमी हूँ और ह्यूमन राइट्स में मैं काम करता हूँ। मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं हूँ, मैं ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स का प्रेसिडेंट हूँ। जानने की अपोजिशन एक मंच पर नहीं आ पाया, यही तो हम देख रहे हैं, हम यही। लेकिन अब अपोजिशन नहीं आएगी तो वो भी हारेंगे, उसमें गलत लोग हैं हारेंगे। अब नया जन आंदोलन, जन क्रांति पैदा होने वाला है, युवाएं आएंगे, महिलाएं आएंगी और जो लोग हैं, हमने कहा भारत के अंदर हम महिलाओं को 50% और 50% युवाओं को लेकर के एक नई क्रांति बहुत जल्द शुरू होने वाला है। बीजेपी सरकार 2024 में नहीं आएगी, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, ये मैं आपको भविष्यवाणी कर। टीवी कौन? जब मोदी भाई टीवी अल्पसंख्यक के सहारे आप लोग हैं, टीवी कौन? आपने दर्शक साहब मुझे बताइए कि जो गोदी मीडिया है, जो प्रिंट मीडिया है, जो उनका खरीदा हुआ लोग है, जो अडानी अंबानी और रामदेव बाबा का चैनल है वो दिखा रहे हैं ना। लेकिन आज हमारी जो लाखों सोशल मीडिया है, आप उनको कहते हो वो मीडिया ही नहीं है, आप उस पर केस कर रहे हो, आप उनको जेल भेज रहे हो, आप उनको पार्लियामेंट स्ट्रीट में थाने में आप हमलेट कर रहे हो, तो ये आज़ादी क्या आर्टिकल 19 क्या आर्टिकल 21 आज़ादी के हमारा नहीं है? क्या हम लोग बोलने की हक नहीं रखते? क्या हमारा ये जो सोशल मीडिया दिन रात एक एक रुपया के लिए भागता है, बेचारे के पास रुपया भी नहीं मिलता और वो दिन रात काम करता है, तो क्या ये गोदी मीडिया की ताकत? मदद भी नहीं करता सोशल मीडिया वालों की? तो बिल्कुल हम मदद कर रहे हैं। अभी हमने 4 जून को 80 मीडिया वाले को अवार्ड दिया, ऑनर किया है, और हम आने वाले 12 अगस्त को 400 मीडिया को अवार्ड देने जा रहे हैं।